ये हम पहुंच गए हैं नोएडा। तो हम दिल्ली से आए थे मेट्रो में नोएडा, तो यहाँ पे पापा वेट कर रहे थे, हमें देहरादून जाना था। तो 9 दिसंबर की डेट थी, उस दिन मेरे मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी भी थी। तो पापा सिर्फ हमारी वजह से लेट निकले, क्योंकि हमें दिल्ली से नोएडा पहुंचने में 1.5 घंटा तो लग ही गया था। और हम देहरादून पहुँचे होंगे लगभग 10:30-11 बजे तक ही पहुँचे थे। तो ये रास्ते में हम रुकते हैं चाय के लिए, तो यहाँ पे तंदूरी चाय मिलती है बहुत ही अच्छी, और यहाँ के पराठे पकोड़े भी बहुत टेस्टी होते हैं, और बहुत ही फेवरेट जगह है मेरे पापा की भी और मेरे हस्बैंड की भी। और ये पहुंच गए हम देहरादून। तो मेरे मायके में पहुंचे हैं अभी हम, तो काफ़ी लेट हो गए हम लोग। और आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है, तो सबसे पहले हमने केक कटिंग करी, उसके बाद खाना खाया। हैप्पी एनिवर्सरी 12, वो तो मम्मी आज ही आपकी, अभी 12 नहीं बजे। पापा तो कह रहे 10 तारीख को है। अभी तो हुआ केक। मम्मी बोली 8, 9, 10 तीन दिन चली थी। मेहंदी से लेकर क्या है, है तो दिखाओ। वाओ, हैप्पी एनिवर्सरी। पूरा केक लगा दो मुंह पे। थोड़ा ये नीलू पापा तुझे केक खिलाएंगे। 30 दिसंबर को मैं गई देहरादून अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मेरा काम था देहरादून में कुछ 2 दिन का। तो न्यू ईयर मैंने वहीं सेलिब्रेट करा था अपनी फ्रेंड और अपनी बहन के साथ। मम्मी पापा तो नोएडा में ही थे। और ये हम 31 की शाम को गए थे लापिंग खाने, वहीं बुद्धा टेंपल क्लेमेंटाउन के पास पे। अपने हस्बैंड के साथ गई थी मैं, और ये घर आके न्यू ईयर पार्टी की तैयारी हो रही है। और ये खा रहे हम पिज्ज़ा। तो ये हमारी 31 की पार्टी हो रही है, तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और साथ में फ्रूट बियर्स भी रखी हुई थी हमने। तो यहाँ पे हम अपने डाइनिंग में ये खा रहे हैं, और यहीं पे हमने डांस भी किया था। यही डाइनिंग रूम में हम नाच रहे थे, तो मेरी मम्मी का भी इसमें वीडियो कॉल आया था। तो बोल रही थी कि तुम सारी जगह छोड़ के यहीं पे नाच रहे हो, तुम्हें नाचने के लिए क्या यही जगह मिली, जबकि बाहर बैठक पूरा खाली था, पर हम नाच यहीं रहे थे। असल बात ये थी कि डाइनिंग रूम हमारा बिल्कुल बीच में है, और साथ में किचन भी है, तो यहाँ पे हमें गर्मी लग रही थी साथ में बैठ के, और बाहर बैठक में थोड़ा ठंडा था। अरे फिर से वीडियो ऑन कर दे, पहले मेरे को सुनने वाला तो आ जा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल. जनवरी एंड हो गया है, फरवरी आने वाला है और मेरा न्यू ईयर का वीडियो अब आ रहा है. थैंक यू. बाय बाय.